हेलो फ्रेंड्स, रुतुस किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रुतु और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना चीनी बिना गुड़ विंटर स्पेशल शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स और खजूर के रोल्स। बहुत ही हेल्दी मिठाई है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, जिसको आप कोई भी त्यौहार में या तो फिर उपवास में खा सकते हो। बच्चों से लेके बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिले। तो आइए बहुत ही हेल्दी खजूर और ड्राई फ्रूट्स रोल बनाने की शुरुआत करते हैं। खजूर और ड्राई फ्रूट्स के रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम खजूर ली है, जिसके मैंने सीड्स हटा दिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो खजूर आप सॉफ्ट लें, जिससे ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब इसको मिक्सी के जार में लेके दरदरा सा पीस लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें खजूर को डाल देंगे। तो आप एक साथ सारी खजूर ना डालें, थोड़ा थोड़ा लेके क्रश करें। तो पल्स सेटिंग पे मिक्सी को चालू बंद करके इसको दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए, खजूर को मैंने दरदरा पीस लिया है। इसी तरह से सारी खजूर को पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक साथ एक बार में खजूर ना पीसे, थोड़ा थोड़ा लेके पीसे। अगर आप सारी खजूर एक बार में डाल देंगे तो मिक्सी में लोड हो जाएगा और हो सकता है कि आपका मिक्सी खराब हो जाए। और हाँ, पीसते समय बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। अब इसको साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें 1/4 कप खसखस यानी कि पॉपी सीड्स डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेना है। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना करें, नहीं तो ये जल जाएगी। तो थोड़ा सा भून लेने से इसमें जो मॉइस्चर है वो चला जाएगा और मिठाई लंबे समय तक खराब नहीं होगी। तो खसखस को मैंने भून लिया है, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी हल्का गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे 1/2 कप बादाम के टुकड़े। तो मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 कप अखरोट के टुकड़े, 1/2 कप काजू के टुकड़े और 1/4 कप पिस्ता के टुकड़े। सब अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को भूनने से 2 फायदे होंगे। एक ये कि ड्राई फ्रूट में जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है वो चला जाएगा और ये मिठाई लंबे समय तक खराब नहीं होगी। और दूसरा, ड्राई फ्रूट्स को भूनकर लेने से खजूर रोल्स बहुत ही क्रंची और स्वादिष्ट बनेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो, या तो फिर घर में जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स है वो डाल सकते हो। आप इसमें सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स भी डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस पे है। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से उसी पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी हल्का गर्म हो जाए फिर हमने जो खजूर को पीस के रखा था वो डाल देंगे। और मीडियम गैस की फ्लेम पे भून लेंगे। तो इसी तरह से दबा दबा के भूनते जाना है। अभी शुरू शुरू में हार्ड लगेगी, पर जैसे जैसे ये भुनेगी वैसे खजूर सॉफ्ट होगी। 1-2 मिनट के अंदर ही खजूर सॉफ्ट होने लगेगी। खजूर को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से कुक हो जाती है। ये देखिए, खजूर धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगी है। ये इतनी इजी मिठाई है कि इसको कोई भी बना सकता है। अगर आप नए हैं और पहली बार मिठाई बना रहे हो तो ये आप ज़रूर बनाएं, ये परफेक्ट ही बनेगी। क्योंकि हमने इसमें ना गुड़ डाला है, ना चाशनी बनाई है, ना कोई परफेक्ट मेजरमेंट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये शुगर फ्री मिठाई है। तो ये देखिए, खजूर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और पैन में एक तरफ इकट्ठी होने लगी है। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये खजूर इसी तरह की तैयार हो जाएगी। खजूर सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें डाल देंगे खसखस जो हमने भून के रखा था। अभी आधी डालेंगे और बाकी की बाद में यूज़ करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे जो हमने भून के रखे थे, और सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को इस समय बिल्कुल धीमे पे ही रखना है और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक कुक करना है। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो अब इस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो खजूर और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, तो बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, पूरा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके रोल्स नहीं बना पाएंगे। तो आप इसको टच करके हैंडल कर सके उतना ही ठंडा करना है। तो ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे। इस मिक्सचर में से दो रोल बना के तैयार करेंगे। तो एक भाग को हाथ में लेके टाइट रोल बना लेंगे। तो चारों ओर से अच्छे से एक समान रोल बनाना है। तो रोल आप कितना मोटा या पतला रखना चाहते हो वो आपकी चॉइस पे है। तो ये देखिए मैंने एक रोल को बना के तैयार कर लिया है। इसको एक प्लेट में रख देंगे और उसी तरह से दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से रोल तैयार नहीं करने हैं तो आप खजूर के मिक्सचर को प्लेट या कोई भी ट्रे में स्प्रेड करके थोड़ी देर के लिए सेट होने दें, और फिर सेट हो जाए तब उसके सिंपल स्क्वायर पीसेस में कट कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने दोनों रोल्स को तैयार कर लिया है। अब हमने जो खसखस भून के रखी थी वो थोड़ी सी नीचे प्लेटफॉर्म पे या तो कोई भी बड़ी सी प्लेट में स्प्रेड कर देंगे और थोड़े से पिस्ते के टुकड़े भी स्प्रेड कर देंगे जिससे ये रोल सुंदर दिखे। अब रोल्स को इसमें चारों ओर घुमाते हुए रोल करेंगे जिससे खसखस और पिस्ता अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए एक रोल बनके तैयार है, इसी तरह से दूसरा रोल भी बना लेंगे। तो मैंने दोनों रोल तैयार कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम की फॉइल ली है, इसमें रोल्स को अच्छे से पैक कर देंगे। तो इस तरह से गोल घुमाते हुए पैक करना है। तो आप पैक करने के लिए बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर कोई प्लास्टिक बैग का भी यूज़ कर सकते हो। तो एकदम टाइट रोल पैक करना है इसी तरह से, और साइड्स को भी इसी तरह से पैक कर देंगे। तो ये देखिए मैंने एक रोल पैक कर लिया है। इसी तरह से मैंने दोनों रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, अच्छे से सेट हो जाएंगे। एक घंटे के बाद इसको काट लेंगे। तो फ्रिज में से रखे हुए इसको एक घंटा हो गया है, अब इसको खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से रोल सेट हो गया है। मैंने दोनों रोल्स को अनपैक कर लिया है, अब इसको काट लेते हैं। तो छोटे बड़े जैसे भी पीस चाहिए वैसे काट लेंगे। ये देखिए मिठाई कितनी सुंदर लग रही है। तो इस विंटर में आप खजूर और ड्राई फ्रूट्स के रोल जरूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई नई और यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।